हेलो गाइस, वेलकम इनटू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस ओमेगा स्टडी सेंटर। हेलो गाइस, वेलकम इनटू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, आवाज़ प्रॉपरली आ रही है ना? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे बायरूल मैच्योर आरबीसी ऑफ ऑल मैमल लेग्स न्यूक्लियस। जितने भी मैमल्स होते हैं उसके बॉडी का जो मैच्योर आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसके एक्सेप्शन में भी देखे थे, एक्सेप्शंस मैच्योर आरबीसी ऑफ कैमल एंड लामा। ये दो मैमल है, कैमल भी मैमल है और लामा एक गोट है, ये भी मैमल है। इस दोनों के बॉडी के मैच्योर आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये एक्सेप्शन था। नेक्स्ट हम लोग देखे थे बायरूल ऑल मैमल्स गिव्स बर्थ ऑफ देयर ऑन काइंड्स ऑफ ऑफ स्प्रिंग और प्रोजेनी। जितना भी मैमल होता है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को बर्थ देता है, यहाँ पे वो बर्थ देता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जो वो अपने चाइल्ड को बर्थ नहीं देता है बल्कि एग को ले करता है ना, एग लेइंग। जैसे हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस था यहाँ पे, इचिडना एंड प्लैटीपस आर मैमल्स हैव एक्टिव मैमरी ग्लैंड ना। सिंपल तरीके से हम लोग समझेंगे, ऑल दोज एनिमल्स विच हैव मैमरी ग्लैंड आर नॉन एज मैमल्स, उसे हम लोग मैमल बोलेंगे जिसमें मैमरी ग्लैंड होता है, अर्थात मिल्क प्रोड्यूसिंग टिश्यू होता है या ग्लैंड होता है। तो हम लोग देखेंगे ये इचिडना ये एक मैमल है क्योंकि इसके बॉडी में भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। इसी तरह से प्लैटिपस ये भी हम लोग देखेंगे मैमल है क्योंकि इसके बॉडी में भी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। फिर भी ये दोनों मैमल होते हुए भी क्या है, एग लेइंग मैमल है, ये एग को ले करता है। हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन एनिमल्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। एनिमल्स को हम लोग थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ एनिमल जो एग को ले करता है उसे हम लोग ओविपेरस बोलते हैं, कुछ एनिमल जो चाइल्ड को बर्थ देता है उसे हम लोग विविपेरस बोलते हैं, और कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो कभी कभी चाइल्ड और कभी कभी एग को ले करता है, इसे हम लोग ओवोविविपेरस बोलते हैं। तो ओवोविविपेरस हम लोग ओपोजम को बोलते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, ये ओपोजम है ना, ये कभी कभी एग को ले करता है और कभी कभी चाइल्ड को बर्थ देता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे लास्ट क्लास में, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय रूल्स ऑल मैमल्स ड्रिंक वाटर। हम लोग जानते हैं कि जितना भी मैमल्स है वो वाटर ड्रिंक करता है, ओके लेकिन एक ऐसा भी मैमल है जो वाटर ड्रिंक नहीं करता। हम लोग देखेंगे कंगारू रैट इज अ मैमल हु नेवर ड्रिंक वाटर। ये कंगारू रैट है, एक रैट है जो मैमल है, ये अपने लाइफ में कभी भी वाटर ड्रिंक नहीं करता है। तो फिर ये कैसे जिंदा रहता है, तो याद रखना है ये ऐसे फ्रूट्स को यूज़ करता है जिसमें ऑलरेडी वाटर कंटेंट होता है और वो उस फ्रूट्स को खा के ही अपने वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। साथ ही साथ इसके नॉस्ट्रल के पास नेजल पैसेज होता है जो वाटर को कंडेंस करके स्टोर करता है और बॉडी में फिर से रिटर्न पहुंचा देता है। तो वही क्या करता है, वाटर को एनवायरमेंट से एटमॉस्फेयर से अब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे वाटर का रिक्वायरमेंट या तो वो टिश्यू फुलफिल कर देता है या फिर वो फ्रूट फुलफिल कर देता है, ये डायरेक्ट वाटर को ड्रिंक कभी नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय रूल ऑल रेप्टाइल्स हैव थ्री चैम्बर्ड हर्ट। इस अर्थ पे जितने भी रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स उसमें थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, यानी कि हम लोग देखेंगे अपर चैम्बर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है और लोअर चैम्बर सिंगल पार्ट में ना। ऊपर वाले को हम लोग देखते हैं लेफ्ट ऑरिकिल राइट ऑरिकिल और नीचे सिंगल वेंट्रिकल होता है, ये थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है रेप्टाइल्स में। लेकिन एक्सेप्शन हम लोग देखेंगे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या है, ये भी एक रेप्टाइल है, हैविंग फोर चैम्बर्ड हर्ट ना। क्रोकोडाइल के हर्ट में फोर चैम्बर्ड होता है
ना इन देयर हार्ट एज वन लेफ्ट ऑरिकिल, वन राइट ऑरिकिल, वन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड वन राइट वेंट्रिकल। तो इसके हार्ट को हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा होता है जैसा हम लोगों के बॉडी में होता है ना, टू ऑरिकिल्स एंड टू वेंट्रिकल्स ना, फोर चैम्बर्स होता है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें जो फोर चैम्बर्स होता है, नीचे वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये दो वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है, इस वॉल को हम लोग याद रखना है बोलते हैं फोरामेन पेनिजल ना, इसके वॉल को या सेप्टम को हम लोग बोलते हैं फोरामेन पेनिजल। तो ये इनकम्प्लीट वॉल होता है, मतलब इसमें जो चार चैम्बर है वो चारों कम्प्लीट नहीं होता है, नीचे का चैम्बर फ्यूज्ड होता है तो वो इनकम्प्लीट होता है। यानी कि क्रोकोडाइल हैविंग नॉट कम्प्लीट फोर चैम्बर, इसमें फोर कम्प्लीट चैम्बर नहीं होता है इन द हर्ट ड्यू टू फोरामेन ऑफ पेनिजल ना, उसके बीच में जो मेम्ब्रेन है वो इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन होता है, वो कम्प्लीटली उसे सेपरेट नहीं करता है, तो इसीलिए नीचे का जो दोनों चैम्बर है वो स्लाइटली फ्यूज्ड होता है, एक दूसरे से मिक्स्ड होता है, तो ये वॉल के कारण उसमें फोर चैम्बर बन गया, इसी को हम लोग फोरामेन पेनिजल भी बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कुछ एनिमल्स और उसके बॉडी में हर्ट और कौन कौन सा चैम्बर और कितना चैम्बर होता है। देखेंगे नंबर ऑफ चैम्बर्स इन हर्ट ऑफ सम एनिमल्स, जैसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं फिश ना, फिश के हर्ट को जब हम लोग देखेंगे उसमें दो ही चैम्बर मिलेगा, अपर चैम्बर को ऑरिकिल और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं ना। टू चैम्बर्ड हर्ट इज प्रेजेंट इन फिश, ए स्टैंड फॉर ऑरिकिल, बी स्टैंड फॉर वेंट्रिकल, तो इससे समझना है ए फॉर ऑरिकिल एंड बी फॉर वेंट्रिकल। सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्रॉग एंड रेप्टाइल्स, अभी बताएं कि रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, फ्रॉग में भी थ्री चैम्बर्ड हर्ट होता है, दैट इज अपर बोथ ऑरिकिल एंड लोअर वेंट्रिकल, थ्री चैम्बर्ड हर्ट। इसी तरह से हम लोग देखेंगे मैमल्स एंड बर्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स में फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है ना, अपर बोथ ऑरिकिल एंड लोअर बोथ वेंट्रिकल, फोर चैम्बर्ड हर्ट, लेफ्ट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, तो फोर चैम्बर्ड। कॉकरोच हम लोग देखेंगे, कॉकरोच भी एनिमल है, कॉकरोच हैविंग 13 चैम्बर्ड हर्ट, याद रखना है कॉकरोच में 13 चैम्बर्ड हर्ट होता है, तो इसमें ऑरिकिल एंड वेंट्रिकल नहीं होता है, इसके चैम्बर में सिर्फ ट्यूब्स होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बाय रूल ऑल रूट्स ग्रो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हम लोग देखते हैं कि जितना भी प्लांट्स है उसका रूट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि रूट हमेशा सॉइल के डायरेक्शन में ग्रो करेगा, जिसे हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं ना, मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवार्ड्स द अर्थ इज नॉन एज जियोट्रॉपिज्म, जब प्लांट याद रखना है अर्थ और सॉइल के डायरेक्शन में मूव करता है तो इसे हम लोग जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो रूट जब भी मूव करेगा किसी भी प्लांट का रूट, तो वो सॉइल के डायरेक्शन में जाता है, नीचे की तरफ ग्रो करेगा, यानी कि कोई सीड अगर सॉइल पे हम लोग देखते हैं जर्मिनेट करता है तो इसका शूट सॉइल से दूर ऊपर सनलाइट के डायरेक्शन में चला जाता है, और रूट हम लोग देखते हैं सॉइल के डायरेक्शन में नीचे की ओर जाता है, यानी कि रूट जब भी ग्रो करेगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर, और शूट जब भी जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो शूट सनलाइट के डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। और रूट हमेशा याद रखना है सॉइल के डायरेक्शन में जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स होता है अर्थ, जियोट्रॉपिज्म। तो जितना भी प्लांट है उसका रूट हमेशा जियोट्रॉपिज्म ग्रोथ को दिखाता है, जियोट्रॉपिज्म मूवमेंट को दिखाता है। लेकिन एक ऐसा भी प्लांट है जो सनलाइट के डायरेक्शन में मूव करता है, हम लोग देखेंगे इसका एक्सेप्शंस, रेस्पिरेटरी रूट और ब्रीदिंग रूट ऑफ राइजोफोरा, याद रखना है राइजोफोरा एक प्लांट है जिसे हम लोग मैनग्रोव प्लांट भी बोलते हैं, मैनग्रोव प्लांट। ये प्लांट मार्सी प्लेस में ग्रो करता है जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है ना, मार्सी प्लेस और ओशियन के आसपास में ये बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, वहाँ ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, तो ऑक्सीजन याद रखना है कि डिफिशियंसी के कारण ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस प्लांट के रूट में रेस्पिरेटरी रूट का ग्रोथ हो जाता है। ये प्लांट मान लो तो इसका ये नीचे का रूट हो गया, तो यहाँ से इस रूट से क्या होता है कुछ रेस्पिरेटरी रूट ग्रो कर जाता है और वह
सॉयल से सीधे ऊपर की ओर आ जाता है ना। और इसमें हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी रूट में बहुत सारा छोटा छोटा माइन्यूट पोर्स होता है जिससे ये ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यहाँ हम लोग इसका डायग्राम देख रहे हैं, ये एक प्लांट है मैनग्रोव प्लांट, ये मेन प्लांट है और नीचे हम लोग देख रहे हैं पॉइंटेड बहुत सारा रूट्स दिखाई दे रहा होगा, ये रूट्स पॉइंटेड रूट्स। इस रूट्स को गौर से देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि छोटा छोटा इसमें पोर्स है, बहुत सारा पोर्स। इस पोर को हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर, इस पोर को बोलते हैं निमेटोफोर ना। तो इसी के थ्रू वो क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। तो ये रेस्पिरेटरी रूट है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाके कहाँ मूव कर रहा है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, ये फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाय रूल, हम लोग रूल में पढ़ते हैं डाइकोट प्लांट हैविंग टू कॉटिलीडॉन। हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो प्लांट्स पढ़ेंगे, हायर प्लांट्स पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं हायर प्लांट, और फिर एंजियोस्पर्म को फर्दर हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट हम लोग वैसे प्लांट को बोलेंगे जिसमें सिंगल कॉटिलीडोन होता है, जब हम लोग सीड को ब्रेक करते हैं तो उसके सीड से ही हम लोग देखते हैं सिंगल दाना निकलता है, कई सीड हम लोग जब ब्रेक करते हैं खोलते हैं तो उसके अंदर से एक ही दाना निकलता है, जैसे हम लोग मेज देखें, मेज राइस ना, वो सिंगल दाना होता है, उसके अंदर सिंगल कॉटिलीडोन होता है। लेकिन इसी तरह से जब हम लोग ग्राम के सीड को ओपन करते हैं तो उसके अंदर से दो दाना निकलता है, टू कॉटिलीडोन। यानी कि याद रखना है कि अगर सीड में सिंगल दाना है तो मोनोकोट प्लांट हो गया, अगर डबल हम लोग देख रहे हैं दो दाना है तो डाइकोट हो गया। तो डाइकोट का मतलब हम लोग समझ गए कि टू कॉटिलीडोन प्रेजेंट इन द सीड, एंड मोनोकोट मीन्स सिंगल कॉटिलीडोन प्रेजेंट इन द सीड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे रूल क्या कहता है, डाइकोट प्लांट्स हैव टू कॉटिलीडोन एंड मोनोकोट प्लांट्स हैव वन कॉटिलीडोन। लेकिन हम लोग इसका एक्सेप्शन देखेंगे ना, कसकटा, कसकटा जिसे हम लोग पैरासिटिक प्लांट भी बोलते हैं, या अमर बेल या डोडर भी बोलते हैं, इसी का नाम डोडर प्लांट है। कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट विच कम्स अंडर डाइकोट प्लांट। कसकटा क्या है, तो डाइकोट प्लांट है, बट नो एनी कॉटिलीडोन प्रेजेंट। लेकिन इस याद रखना, इस प्लांट में कोई कॉटिलीडोन नहीं होता है, इसमें कोई सीड ही नहीं होता है, इसीलिए कोई कॉटिलीडोन नहीं होगा। तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10th एक्सेप्शन बाय रूल, ऑल रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन और कलरलेस। हम लोग मोस्ट ऑफ द रूट को देखते हैं, प्लांट्स के जितने भी रूट को देखेंगे वो कलरलेस होता है और नॉन ग्रीन होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, रूट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, हम लोग को पता है, लीफ करता है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है ना। तो रूट कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्योंकि रूट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग यहाँ भी एक्सेप्शन देखेंगे, कुछ प्लांट्स के रूट्स फोटोसिंथेसिस भी करता है। हम लोग देखेंगे ट्रापा, ट्रापा एक प्लांट है जिसे हम लोग वाटर कैल्ट्रोप प्लांट भी बोलते हैं, वाटर कैल्ट्रोप प्लांट। और सेकेंड हम लोग देखते हैं टीनोस्पोरा, ये भी एक प्लांट है, हार्ट लिव्ड प्लांट, याद रखना है। ये जो दो प्लांट है ट्रापा एंड टीनोस्पोरा ना, इसका जो रूट होता है वो ग्रीन रूट होता हैविंग ग्रीन रूट्स ना, एंड इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। तो ट्रापा हम लोग देखेंगे कौन सा प्लांट्स है ना, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये ट्रापा का फ्रूट है, ये ट्रापा जिसे हम लोग सिंघाड़ा भी बोलते हैं ना, सिंघाड़ा खाए होंगे, ये वाटर फ्रूट है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसका ये प्लांट है और इसी में हम लोग देखते हैं ये छोटा सा फ्रूट लगता है, तो ये, और इधर हम लोग देख रहे हैं टीनोसफोरा। ये टीनोसफोरा का जो लीफ होता है वो हार्ट शेप्ड होता है ना। तो इस दोनों प्लांट, याद रखना है कि इस दोनों प्लांट का जो रूट होता है, इसके रूट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता हैविंग ग्रीन रूट्स, और जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सो दीज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि इस दो प्लांट के रूट में क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए ये फोटोसिंथेटिक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बाय रूल,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स आफ्टर मैच्योरिटी इन एनी ऑर्गेनिज्म, ना जितना भी ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? आफ्टर मैच्योरिटी, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म करता है ना। हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में भी, एडोलेसेंस फेज वो मैच्योरिटी फेज होता है, उसके बाद ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी एनिमल में या ह्यूमन बीइंग में भी स्टार्ट होता है ना। लेकिन हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जो लार्वा स्टेज में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करता है। एक्सेप्शन देखेंगे सेलेमेंडर, ये एक एम्फीबियन एनिमल है। सेलेमेंडर इज एन एक्वेटिक एनिमल विच शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लार्वल स्टेज, ये जब लार्वल स्टेज में होता है तभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कसकटा का डायग्राम है। कसकटा जिसे हम लोग डोडर प्लांट बोलते हैं, ये किसी भी होस्ट प्लांट के ऊपर हम लोग देखेंगे थ्रीड लाइक कंप्लीटली उसे कवर कर लेता है। ये जो कवर हम लोग को दिखाई दे रहा है वो कसकटा है ना, ये नीचे कोई मेन होस्ट प्लांट होगा उसके ऊपर पूरी तरह से फैला हुआ, ये एक पैरासिटिक प्लांट है। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? होस्ट प्लांट, और जो फूड बनता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है ये पैरासाइट, ये कसकटा जिसे अमर लत्ती भी हम लोग बोलते हैं, अमर बेल। ओके, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना। अभी भी बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स साइंस में हैं जो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब इसका रियल कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग उसकी बात करते हैं। अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना ना, साइंस इज पावरफुल, हम लोग को पता है साइंस बहुत ही पावरफुल है, बट इट कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, लेकिन फिर भी साइंस अभी तक सब कुछ को एक्सप्लेन नहीं कर पाई ना। द फैक्ट विच आर स्टिल अननोन ना टू द बायोलॉजिकल साइंटिस्ट आर नोन एज अननोन और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना ना। अभी भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो साइंटिस्ट के लिए क्या है? अननोन है। तो ऐसे फैक्ट्स को हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना। अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना आर दोज फैक्ट्स विच आर स्टिल अननोन बाय द साइंटिस्ट, अभी तक साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए कि इसका क्या रीजन है। जैसे हम लोग देखेंगे अबाउट एलियंस, एलियंस के बारे में हम लोग बहुत जगह पे पढ़ते हैं सुनते हैं ना, और UFOs अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हम लोग सुनते हैं, बहुत सारे UFOs के बारे में कहानियां हैं, बहुत सारे एलियंस के बारे में स्टोरी है, लेकिन इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ रियल में एलियंस है या नहीं, UFOs है या नहीं, तो ये अभी तक अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लावरिंग इन रोथिंग एंड म्यूटक बैम्बू, याद रखना है कि दो बैम्बू है, रोथिंग एंड म्यूटक की ये स्पेसीज है बैम्बू की। तो ये जो बैम्बू गार्डन है इस दोनों प्लांट में फ्लावरिंग होता है आफ्टर 48 ईयर्स, ये दो बैम्बू प्लांट है और ये बैम्बू प्लांट में भी फ्लावरिंग होती है, और वो कब होती है? तो 48 ईयर्स में होती है ना। तो फ्लावरिंग इन रोथिंग एंड म्यूटक बैम्बू गार्डन अकर्स इन 48 ईयर्स एंड व्हेन फ्लावरिंग अकर्स इनॉर्मस रैट्स इंक्रीज इन द गार्डन, जब भी फ्लावरिंग होती है तो फ्लावरिंग के टाइम में उस गार्डन में क्या होता है, बहुत ह्यूज अमाउंट में रैट्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्यों इंक्रीज होता है, बैम्बू से क्या लेना देना है, ये अभी तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया, तो ये भी अनएक्सप्लेन्ड फेनोमिना हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेरेंडिपिटी फेनोमिना ना। सेरेंडिपिटी फेनोमिना हम लोग वैसे फेनोमिना को बोलते हैं जो एक्सीडेंटल पता चलता है, मतलब अचानक ही वो सामने आता है ना। हम लोग देखेंगे सेरेंडिपिटी फेनोमिना मीन्स एक्सीडेंटल डिस्कवरीज। तो एक्सीडेंटली यदि कोई चीज़ डिस्कवर हो गया, साइंटिस्ट किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और वहाँ से उसे कोई नया चीज़ पता चल गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी और सेरेंडिपिटी फेनोमिना। ऑल एक्सीडेंटल डिस्कवरीज आर इंक्लूडेड अंडर सेरेंडिपिटी फेनोमिना, बहुत सारा हम लोग देखेंगे डिस्कवरीज है वो अचानक हुआ था, तो अचानक हुए खोज को हम लोग, अचानक हुए डिस्कवरी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेंडिपिटी फेनोमिना। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ बाय न्यूटन ना, न्यूटन साहब ने ग्रेविटेशनल लॉ का जो खोज किया था वो क्या था, अचानक हो गया था ना, दैट वाज एक्सीडेंटल। सेकंड हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ लाइसोसोम बाय सीडी ड्यूब, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे
कि लाइसोजोम एक सेल ऑर्गेनेल है, तो इसकी भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, ना एंटीबायोटिक्स की भी डिस्कवरी एक्सीडेंटल हुई थी। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। तो ये एक्सीडेंटल फेनोमिना है, एक्सीडेंटल फेनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं सेरेंडिपिटी फेनोमिना। तो इस सब को हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मिस यूज ऑफ बायोलॉजी, ना बायोलॉजी का बहुत ही यूज है तो इसका मिस यूज भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे इसको इसका मिस यूज किया जाता है, तो एक हम लोग देखते हैं इन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? तो एक टेस्ट है, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट है जिसका मिस यूज हम लोग बहुत करते हैं। एमनियोसेंटेसिस इज अ टेक्निक दैट वॉज डेवलप्ड सो एज टू डिटरमाइन एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द फीटस। याद रखना है एमनियोसेंटेसिस किसका होता है, तो फीटस का किया जाता है ये टेस्ट। इस टेस्ट में पता लगाया जाता है कि जो चाइल्ड मदर के यूटरस में है ना, जो फीटस के फॉर्म में है, उसके बॉडी में किसी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी कि किसी अनबोर्न बेबी के बॉडी में कोई डिजीज है। इस डिजीज का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस। लेकिन इस टेक्निक की एक बैड इफेक्ट ये है कि ये उस चाइल्ड का या उस फिटस का सेक्स भी डिटरमाइन कर लेता है। ये टेक्निक ये बता सकता है कि वो जो चाइल्ड है वो मेल है या वो फीमेल है। और हम लोग को पता है कि अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो उसके साथ क्या किया जाता है, तो इसका फर्टिसाइड कर दिया जाता है ना। तो फर्टिसाइड में इसका यूज हद से ज़्यादा होने लगा है एमनियोसेंटेसिस का। तो यहाँ हम लोग देखे हैं कि अब इंडिया में इलीगल हो गया है इसको। इलीगल जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करेगा तब तक एमनियोसेंटेसिस या अल्ट्रासाउंड किसी फीमेल का नहीं किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं हाउ इवर ना अनफॉर्चुनेटली दिस टेक्निक इज बींग मिस यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इसका मिस यूज हम लोग कहाँ कर रहे हैं, टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर बर्थ। बर्थ से पहले ही हम लोग किसी चाइल्ड के सेक्स का पता लगा लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है। एंड द फीमेल फीटस इज देन एबॉर्टेड, और यदि फीटस फीमेल होता है तो उसे बर्थ से पहले ही क्या किया जाता है, किल कर दिया जाता है। इसीलिए इसको एबॉर्शन बोलते हैं, एबॉर्टेड कर दिया जाता है। दस ड्यू टू दिस टेक्निक फीमेल फोइटिसाइड इंक्रीज। तो एमनियोसेंटेसिस के कारण क्या हो गया, तो फीमेल फोइटिसाइड इंक्रीज हो गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे सेम टेक्निक है एक और, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी। दिस टेक्निक ऑल्सो प्रिडिक्ट द सेक्स ऑफ फीटस। ये भी क्या करता है, तो फीटस के सेक्स को डिटेक्ट कर लेता है कि वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ भी हम लोग इसका मिस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थर्ड मिस यूज क्या है, बायो वीपन। याद रखना है बायो वीपन, सिंस मोस्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। हम लोग को पता है कि मैक्सिमम डिजीज हम लोगों में किसके कारण हो रहा है, पैथोजेंस के कारण, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ना। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कोई कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट भी कर सकता है ना, एज ए बायो वीपन। जैसे अभी ही हम लोग सुन रहे हैं, बहुत सारा न्यूज़पेपर बताता है, न्यूज़ बता रहा है कि जो कोरोना है उसे किसने, चाइना ने दूसरे कंट्री पे क्या किया है, तो यूज़ किया है जो बायो वीपन ना। तो ये ऐसा हो भी सकता है, बायो वीपन हम लोग बोल सकते हैं। सिंस मोस्ट डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस द सेम कैन बी यूज्ड एज बायो वीपन्स। तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कोई भी पर्सन एज ए बायो वीपन के रूप में कर सकता है। तो ये मिस यूज था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सम फैक्ट्स रिलेटेड टू बायोलॉजी। बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे द लार्जेस्ट ऑर्गेन और ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड और, याद रखना है लार्जेस्ट ग्लैंड और ऑर्गेन कौन सा है, तो हम लोग को पता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गेन एंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह से स्मॉलेस्ट ऑर्गेन कौन सा होगा, तो पीनियल ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द लार्जेस्ट एनिमल इज द ब्लू व्हेल। इस अर्थ का लार्जेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो भी ब्लू व्हेल है।
और स्मॉलेस्ट एनिमल कौन सा है? प्लाज्मोडियम, याद रखना प्लाज्मोडियम एक स्मॉलेस्ट एनिमल है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पूछा जाए तो पीपीएलओ, याद रखना है पीपीएलओ इस अर्थ का सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ कोई, माइकोप्लाज्मा, याद होगा बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ इसी को बोलते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ हो गया। अगर डिसकनेक्ट हो जाएगा तो आप लोग फिर से कनेक्ट कर लोगे। फिर हम लोग देखेंगे द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन सा है? तो अफ्रीकन एलिफेंट लार्जेस्ट है। इसी तरह से लार्जेस्ट फिश ब्लू व्हेल, स्मॉलेस्ट फिश पंडाका या गोबी फिश हम लोग बोलते हैं, लार्जेस्ट बर्ड इस अर्थ का लार्जेस्ट बर्ड अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, और अगर लार्जेस्ट एग पूछा जाए तो एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का ही एग लार्जेस्ट एग है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट बर्ड इस अर्थ का हमिंग बर्ड है, और स्मॉलेस्ट एग पूछा जाए बर्ड का एग तो हमिंग बर्ड का ही एग स्मॉलेस्ट एग है। नंबर्स ऑफ बोन इन द एडल्ट, एडल्ट में ह्यूमन एडल्ट में कितना बोन होता है? तो 206 बोन्स। एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द बेबीज, किसी चाइल्ड बेबीज में कितना बोन होगा? तो मोर देन 300। ये याद रखना है कि बेबी में नंबर ऑफ बोन्स ज़्यादा होता है और एडल्ट में कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट सेल कौन सा है? तो ओवम और एग, जो फीमेल गैमिट होता है, फीमेल के बॉडी में ये होता है। इसी तरह से स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी होगा स्पर्म और मेल गैमिट, ये सिर्फ मेल के बॉडी में होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लंबा सेल कौन सा है? तो नर्व सेल और न्यूरॉन को बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे लंबा बोन कौन सा है, लार्जेस्ट बोन? तो फीमर और थाई बोन इज द लार्जेस्ट बोन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी स्टेपेस, याद रखना है हम लोग के ईयर में, मिडिल ईयर में ये बोन होता है स्टेपेस, स्टेपेस बोन ऑफ मिडिल ईयर, ये बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन है। इसी तरह से देखेंगे द बिगेस्ट सेल ऑन द अर्थ, अर्थ का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच एग, ये एक सेल भी है, सिंगल सेल है, तो ये लार्जेस्ट सेल हो गया। इसी तरह से स्मॉलेस्ट सेल यदि कोई पूछे तो अभी हम लोग देखे थे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, प्लीरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, या माइकोप्लाज्मा इसी को बोलते हैं, तो यह स्मॉलेस्ट सेल भी है, याद रखें। द बिगेस्ट फ्लावर ऑन द अर्थ, अर्थ का सबसे बड़ा फ्लावर रफलेसिया अर्नोल्डी, ये अर्थ का लार्जेस्ट फ्लावर है। इसी तरह से अगर स्मॉलेस्ट फ्लावर पूछे तो वुल्फिया स्मॉलेस्ट फ्लावर है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट वायरस, पॉक्स वायरस को हम लोग लार्जेस्ट वायरस मानते हैं। इसी तरह से स्मॉलेस्ट वायरस फुट एंड माउथ डिजीज वायरस ऑफ कैटल, कैटल में एक वायरस होता है फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, तो ये स्मॉलेस्ट वायरस है, जिसे हम लोग पिकोरना वायरस भी बोलते हैं। एक नया वायरस का डिस्कवर किया गया है मेगा वायरस, जिसे अभी हम लोग लार्जेस्ट वायरस मानते हैं, मेगा वायरस डिस्कवर्ड इन 2010, याद रखना है ये अभी का सबसे लार्जेस्ट वायरस है। हार्डेस्ट टिश्यू, हमारे बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू कौन सा है? तो बोन, बोन भी एक टिश्यू है और हार्डेस्ट टिश्यू है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट पूछा जाए तो इनामेल ऑफ द टीथ, टीथ के ऊपर जो कैल्शियम का इनामेल बना होता है ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे फास्टेस्ट मैमल, अगर कोई मैमल में फास्टेस्ट मैमल पूछे तो चीता और पैंथर ये फास्टेस्ट मैमल है, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड से दौड़ सकता है। इसी तरह से लार्जेस्ट बैक्टीरिया अगर पूछे, याद रखना स्पाइरिलम वॉल्यूटेंट 30 μ इसका साइज होता है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया सेम पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा 0.00004 μ हम लोग देख रहे हैं। लॉन्गेस्ट यूनिसेलुलर एल्गी, याद रखना है यूनिसेलुलर एल्गी, और लार्जेस्ट प्लांट सेल अगर पूछे, प्लांट सेल लार्जेस्ट,
तो एसिटाबुलारिया ये याद रखना है, ये एक ही सेल का प्लांट है जो विजिबल है, इसे हम लोग देख सकते हैं। तो ये लार्जेस्ट प्लांट सेल हो गया। वनली फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट द पीपुल एंड एनिमल, याद रखना है कि हम लोग को जो मॉस्क्यूटो बाइट करता है वो क्या होता है, वो फीमेल मॉस्क्यूटो होता है। वनली फीमेल मॉस्क्यूटो बाइट द पीपुल एंड एनिमल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एग्स ना, उसको एग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए ह्यूज अमाउंट में प्रोटीन चाहिए, तो वो हमारे ब्लड से वो ऑब्टेन कर लेता है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑल किंगडम, हम लोग देखेंगे कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म या स्पेसीज है उसको 5 किंगडम में हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम हम लोग देखेंगे अर्थ्रोपोडा को बोलते हैं, और उसी में हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट क्लास इंसेक्टा क्लास है। ये जब हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि अर्थ्रोपोडा एक फाइलम है जो एनिमल किंगडम के अंदर आता है, और इस फाइलम का भी छोटा ग्रुप एक क्लास होता है इंसेक्टा क्लास। तो इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास हो गया, अर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम हो गया, और एनिमल सबसे बड़ा किंगडम हो गया। इसी तरह से देखेंगे पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट ना, वैसा कौन सा प्लांट है जो पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट या SO2 इंडिकेटर प्लांट हम लोग किसे बोलते हैं, तो लाइकेन। लाइकेन याद रखना है एक प्लांट है, एल्गी एंड फंगी का एसोसिएशन। एल्गी एंड फंगी जब फ्रेंडशिप करके एक साथ रहने लगता है तो एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग लाइकेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो पॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। किसी एरिया में अगर कम पॉल्यूशन होगा या पॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका कलर ग्रीन होता है, अगर उस एरिया में पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो इसका कलर ग्रीन से ग्रे हो जाता है। इसी तरह हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस अर्थ पे नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक वायरस को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वायरस कभी कभी लिविंग भी रहता है और कभी कभी नॉन लिविंग। जब यह सेल के अंदर चला जाएगा तो लिविंग हो जाता है, और सेल के बाहर ये नॉन लिविंग होता है। इसी तरह से देखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स यूग्लिना, याद रखना है यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर एनिमल है, जिसमें प्लांट का भी कैरेक्टर है और एनिमल का भी कैरेक्टर है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, ये सारा पढ़ना है क्लासिफिकेशन में, याद रखना है। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स, कि रेप्टाइल, रेप्टाइल हम लोग किसको बोलते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स को, और बर्ड्स फ्लाइंग एनिमल्स को। आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स है, हम लोग इसमें दोनों के प्रॉपर्टीज को पाते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स अब एक्सटिंक्ट एनिमल हो चुका है, ये अब नहीं पाया जाता है इस अर्थ पे, इसका फॉसिल्स हम लोग को मिला है, जिससे पता चला है कि यह कनेक्टिंग लिंक था रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोग का ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी था वो आज एंड हो गया। इंट्रोडक्शन अब हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ हम लोग का वीडियो अपलोडेड रहेगा, इंट्रोडक्शन किसी का जो छूट गया है वो हम अब वीडियो से ही वो उसे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल। थैंक यू गाइज, मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल बाई क्लिकिंग ऑन सब्सक्राइब बटन।